मेरे सामने मुझे पूरा राजस्थान नजर आ रहा है। आज के इस होली महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र मेहता जी, हमारी महापौर डिंपल मेहता जी, इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने मुझे आग्रह किया, ऐसे हमारे भाई गोविंद पुरोहित जी, मंच पर उपस्थित ध्रुव किशोर पाटिल, रोहिदास जी पाटिल, मेघराज जी चौधरी, शंकर जी वीरकर, चंद्रकांत जी वैती, प्रतापराव जैतपुरा और इस कार्यक्रम के आयोजक राजस्थानी 36 कौम एकता परिषद, जालोर सिरोही प्रवासी संघ, राजस्थानी मेवाड़ प्रवासी संघ, 36 कौम एकता मंडल, पाली जिला प्रवासी संघ और सभी संलग्नित संस्थाओं के पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के राजा यहाँ पे उपस्थित ही हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है और इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमें बताया है वो किसी भी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते, सभी जाति को सभी धर्म को मानते हुए काम के महाराष्ट्र के लोग ये दूध है, राजस्थानी लोग ये शक्कर है, जितना शक्कर डालोगे दूध में उतना दूध ये मीठा होते जाएगा, जितने राजस्थानी यहाँ पे आएंगे उतनी ये महाराष्ट्र की भूमि और मीठी होती जाएगी। और ये हमेशा वाक्य वो कहते थे, मुझे उनके भाषण आज भी याद है और उनका भी प्रेम स्नेह हमेशा हमें मिलता था। आदरणीय देवेंद्र जी, हमने सब ने उनके नेतृत्व में काम किया है और आज ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। मैं आदरणीय मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विनंती करना चाहता हूँ, ये धरती हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्म भूमि राजस्थान है, हमें कर्म भूमि पे भी अभिमान है, जन्म भूमि पे भी अभिमान है, ये हमारे पिता के स्वरूप है तो राजस्थान हमारे माता के स्वरूप है। इस मीरा भाईंदर के अंदर महाराणा प्रताप जी का पुतला हो ऐसा नगर पालिका की ओर से ठहराव किया और सरकार को मान्यता के लिए भेजा है।